हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। होडल के गांव पेंगलतू और भिड़ूकी के जंगलों में आग के तांडव मचाने से किसानों की करीब 45 एकड़ फसल जलकर राख हो गई, जिसके कारण यहां के करीब दर्जन भर किसान अनाज के एक एक दाने को तरसने को मजबूर हो गए। भुखमरी की कगार पर खड़े हैं ये लोग। आपको बता दें, पेंगलतू और भिड़ूकी के जंगलों में अचानक आग लग गई। आग की सूचना जैसे ही यहां के किसानों को लगी तो पूरा गांव खेतों की तरफ दौड़ पड़ा और आग पर काबू पाने को जतन करने लगे। किसानों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक करीबन दर्जन भर किसानों की 45 एकड़ फसल कर जलकर राख हो गई। किसान निरुत्तम ने बताया कि अचानक आग लगने से गांव से सैकड़ों किसान खेतों पर पहुंचे, जब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। किसानों ने बताया कि हमने कई बार डीसी और एसडीएम को फोन कर इसकी सूचना देनी चाहिए, लेकिन किसी अधिकारी ने फोन तक नहीं उठाए और बताया कि हमारा जीवन इस खेती पर ही निर्भर है और यही जलकर राख हो गई। अब तो किसान भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। 30 एकड़ के करीब है जी, और पूरी नुकसान फसल बर्बाद है, पूरी जल गई है, खड़ी फसल नहीं है। हम तो गांव से किसान लग गए जी। काय इतनी लगी है, काय इतना लगी है आज हाइब्रिड देसराज जी? हाँ देसराज जी, बताएंगे जो पूरी खड़ी फसल चली है जी। तो कितना नुकसान है? लगभग पूरा नुकसान है, कुछ भी नहीं बचा जी। अच्छा, तो लगभग 25-30 किला के एटे पेटे में लगी है, 30 किला के करीब लगी है। तो एक है और 10 एकड़ और भी है। तो कोई कारणों का पता चल पाया? अभी नहीं चल पाया कोई कारण ना पता जी। हम तो काम से भगे जी, वहाँ से बहुत दूर पड़ा जी काम। यहाँ फाइव ग्रेड वगैरह किस तरह से आग पर काबू पाया गया है और लगभग कितने द्वारा जी? उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड आया गया, बाद में कितनी गाड़ी आई फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड कम से कम 15 लाख करीब। 15 लाख के करीब। कितने किसानों की जो मेंबर है जी? देसराज, शेर सिंह, मदन सिंह, वीरेंद्र, रमन लाल वासदेव, दर्जनों किसानों की। हाँ जी कहते हैं। हाँ नरोत्तम जी, बताएंगे कितनी फसल जल के राख? हमारे गांव की करीब करीब 40 किला फूक गए जी, और शायद 20-30 किला शायद पेंगलतू के फूक गए होंगे। हाँ जी, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है पेंगलतू कितने, लेकिन गांव के 40 किला फूक गए हैं और यही पैदा रहते हैं जी हम। हाँ जी। और जो गेहूं के जो खेत फूके हैं हमारे, इनमें बाली सहित फूके हैं, मतलब गेहूँ पूरा फूक गया है। खड़ी फसल में आग, खड़ी फसल में आग लगी है, ना कि लांदरे में। और यहाँ पर हमारा कोई साधन नहीं है, और हमने डीसी साहब को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई फोन उठाया नहीं है, नहीं कोई जवाब मिला है। बाकी हम ये चाहते हैं सरकार से गुहार करते हैं कि हमें कुछ मिले ताकि अपने बच्चों गुजारा कर सके। हम हमारा जीवन आप यापन यही नहीं, हमारे घर में कोई नौकरी लगा हुआ है और सारे ही बंदे जितने भी हमारे जो गांव के लोग हैं, जितनी भी जमीन है जो फूकी है, पट्टे की जमीन है, ये सारे खेती बाड़ी निर्भर करते हैं। तो इसके अलावा हमारा कोई साधन नहीं। पूरी तरह मतलब किसान पूरी तरह बर्बाद है जी। सरकार से हमें कोई साथ मिलते ठीक है, नहीं तो हम जो है पूरी तरीके से बर्बाद है। और ये समझ लीजिए हमें भीख मांगनी पड़ेगी अपने जीवन यापन के लिए, से दूसरा हमारे पास कोई और आधार नहीं है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री जगदीश नायर ने बताया कि हमारा भी खेत यही है और हमारे भी खेतों में नुकसान हुआ है। ये किसान पट्टे और बाटे की खेती करते हैं, वो भी जलकर राख हो चुकी है। नायर ने बताया कि मैंने खुद भी कई बार अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन किसी अधिकारी ने फोन तक नहीं उठाए, जिसके कारण लोगों में प्रशासन के पार्टी रोष बना हुआ है, काफी गहरा रोष बना हुआ है। प्रशासन से मांग है कि इन किसानों को 50,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। तब सूचना मिली, गांव से फोन गया कि गांव के जंगल में आग लग गई, और तुरंत उसी टाइम डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसडीएम साहब, इन सबको फोन मिलाए, डीएसपी को भी, आग लग गई गांव में, तुरंत सारा प्रशासन पहुंचे। अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। मैं ये तो धन्यवाद करता हूँ, दो मशीन तो जरूर आई हैं, लेकिन आज जो भिड़ूकी गांव के जंगल में और पेंगलतू गांव के जंगल में जो आग लगी है, लगभग यहाँ हमारे किसान साथी सभी हमारे जो गांव के लोग हैं भिड़ूकी के लोगों बता रहे हैं कि 45-40 एकड़ का रकबा आज जल के खाक हो गया। किसान बेचारे पट्टे बांटे की जमीन कर रहे थे, आज उनके पास कोई साधन नहीं रहा और किसान घर से बेघर हो गया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आज जमीन, आज खेती का काम बहुत महंगा हो गया है, खेती के यंत्र महंगे हो गए हैं, खाद बीज महंगा हो गया है, 50,000 रुपये कम से कम किसान को मुआवजा मिलना चाहिए।
ये हमारी मांग है और हम तो प्रशासन का क्या या कोई डीसी साहब को आपने फोन मिलाया? डीसी साहब का फोन अभी दिखाता हूँ। डीसी साहब फोन को सुनता ही नहीं जी। पता नहीं बताते हैं कि भाई डीसी साहब खुद बहरे हैं, लेकिन उनको कम से कम फोन सुनने पर तो कोई बैठा देना चाहिए। एसडीएम साहब फोन सुनते थे। वैसे सरकार डींग मारती है कि भाई हमारा स्वच्छ प्रशासन है, ऐसा प्रशासन है कि हमने पारदर्शी प्रशासन दे दिया। ऐसा प्रशासन रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? जनता तो अपना खत्म हो जाएगा, जनता का काम तो अभी तक कोई प्रशासन आया ही नहीं। प्रशासन सिर्फ पुलिस के डीएसपी ने मदद की है, जो मेरी बातें हुई थी, डीएसपी ने अपना प्रशासन भेजा है, बाकी कोई प्रशासन नहीं आया। एसडीएम और डीसी पटवारी कोई प्रशासन नहीं आया।